काफी छोटी सी मंडी और हमें इस दुकान पे गाड़ी लगाने से टेढ़ी सी करके इतना रश भाई है। देखो ये हाईवे रोड है, बंद हो गई पूरी, आगे में बिहार बॉर्डर। सो गाइस कैसे हो आप सब, आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे भाई सुबह के 3, तो अभी व्यापारी ने फोन किया, मतलब उनको मैंने बोला साफ साफ मेरे पास धुंध गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी 6 तारीख की मंडी है। बोल रहे यार मेरे को पता आपकी 4 दिन की मंडी है 6 तारीख की, बट भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है, बस मेरी बात समझो, माल थोड़ा पहले से है। अब उनका माल अच्छे रेट में बिक रहा होगा ना, तभी वो कह रहे हैं, बोल रहा मेरा माल पहले से, कोशिश करो पहुँच जाओ, कोशिश करो पहुँच जाओ, बस मतलब रिक्वेस्ट वाली बात ही है। मेरा धुंध गाड़ी कैसे चले, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। चलो अब उनकी बात भी हम थोड़ा समझते हैं यार, चलो पर है कि अभी थोड़ी थोड़ी कम है, धुंध वहाँ का दिख रहा है, जब ज़्यादा होगी फिर रुक जाएंगे, क्या करेंगे यार, जान तो देनी नहीं है ना। अभी चल रहे हैं, बॉर्डर भी काफ़ी दूर है, पहले डीजल लेंगे हम किसी पंप से, क्योंकि यहाँ पे डीजल सस्ता ही है, यहाँ पे और हरियाणा में ऑलमोस्ट सेम ही, थोड़े फर्क है, बिहार में शायद कह रहे हैं महंगा है। और थोड़ा धुंध भी कम हो गया और हम पहुँच गए यहाँ पंप पे, यहाँ पे 90 रुपये या डीजल 90 रुपये 1 पैसा, तो आगे महंगा, तो यहाँ से हम डाल रहे हैं 16,000 का, देखते हैं कितने लीटर आएगा। रेश भी बैठा हुआ जा ही रहा, तो बाइक को करते हैं पेमेंट, यार 90 रुपये 1 पैसे है तो ठीक है, मतलब 1 रुपये ही महंगा राजस्थान से। आज में यार इस चक्कर ना जानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, खाली करके ना फिर वॉशिंग करवानी पड़ेगी और ग्रीस भी करवानी है, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में बॉर्डर है, फिर बॉर्डर है, फिर हम हो जाएंगे बिहार में इंटर, क्योंकि इस बॉर्डर से हम पहली बार होने वाले हैं, बस कोई इशू ना आए, आराम से हम हो जाएँ, चलते रहेंगे। अब यार यहाँ पे धुंध नहीं हो, पीछे धुंध थी तकरीबन, आगे धुंध नहीं होनी चाहिए, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर व्यापारी भी खुश, और हम उसकी मजबूरी समझ रहे हैं, वो मतलब उसको पता है आज की डेट उसका माल अच्छे रेट में बिकेगा, और चलो यार अपना यही काम है, कोई खुश हो जाए अपनी वजह से, टेंशन नहीं, बस देखते हैं डीजल कितना चला गया, हो जाए फुल टैंक, टैंकी फुल नहीं जितना डालना है हमको, 16,000 का भी 8,000 का हुआ है। डीजल डाल के निकल पड़े यहाँ से, 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, और 172 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर, वहाँ से 60 और, मतलब 230 किलोमीटर भी सफ़र है अपना। चलो अब धुंध थोड़ी इतनी भी दिखता रहे ना, फिर टेंशन नहीं है, वो दूर तक ऑलमोस्ट नहीं है, बस ऐसा ही रहना चाहिए सब मौसम, फिर टेंशन नहीं, फिर हम पहुँच जाएंगे। आगे भाई बिहार बॉर्डर, यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे मशीन भी, क्योंकि बिहार में शराब वगैरह बंद है, तो उसका कुछ मसला ना हो, तो वही है यहाँ पे, चेक वगैरह करते हैं अच्छे से, फिर आगे बॉर्डर आएगा। देखो गाड़ी लगा दी साइड में, यहाँ पे विजिबिलिटी भी ले लेते हैं, बॉर्डर कर दिया पार, तो बस ये है कि जल्दी जल्दी हो गया, जाम नहीं था। अब चाय वगैरह तो हम यहाँ पे नहीं पियेंगे, हम तो चलेंगे सीधा ये बॉर्डर, तो आप लगा लो साइड, आपको सूखा माल होगा, चाय आप वहाँ चल के पियेंगे कहीं, क्योंकि अभी धुंध नहीं है और रास्ता भी खाली खाली है, तो सफ़र निकल ही रहा है कंटिन्यू आराम से, मस्त हम भजन सुन रहे हैं प्यार प्यार से, और प्यार प्यार से हम चले जा रहे हैं वापिस से भाई, धुंध आना शुरू हो गई है बिहार में भी, शादी सुबह के 5 बजने वाले ना, देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई, धुंध भी है ही है, गोपालगंज भी पार कर दिया, अब 120 किलोमीटर रह गया मुजफ्फरपुर, उससे 60 मतलब 200 किलोमीटर का सफ़र है अभी अपना। किलोमीटर रह गया भाई अपना मुजफ्फरपुर, तो चल रहा है अभी, रिजेश चला रहा है, तो मैं बैठा, अब जाग रहे हैं दोनों ही, ऐसा नहीं है नहीं सो रहे, बारिश भी हल्की हल्की चल रही है ना। अभी बच गए सुबह के 7 और मुजफ्फरपुर रह गए हैं अभी थोड़ा ही यहाँ से, अभी भी धुंध हल्की हल्की, खिड़की अब खोल दी हमने, अभी शायद 8:30-9 बजे तक मंडी पहुँच जाएंगे, अब वहाँ से फ़ोन करें कब तक पहुँचोगे, मैं अब चल ही रहे हैं यार, कोई खींच के तो आएँगे नहीं, यहाँ पर मौसम ठीक है, इतनी ठंड भी नहीं बढ़ा कि धुंध है थोड़ी थोड़ी, बस 1 घंटे में मंडी पहुँच जाएंगे, उसको तरपाल वगैरह खोल के आधा घंटा लग जाएगा, फिर चाय वगैरह पीते हैं कुछ खाएंगे, और आज का अच्छे से सो भी नहीं पाए, मतलब आँखें भी स्वेलिंग है, आ गया एम्बुलेंस, और भाई ठीक है सिंगल रास्ते में चल रहे हैं, बटा कि फिर भी ठीक है रास्ता, बस पहुँचने वाले हैं, जान दे जान दे, चल चल, थोड़ा ही रह गया अब तकरीबन कितना 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 भाई 24 किलोमीटर मंडी, अब 12 घंटे एडवांस मंडी हो गई हमारी, कल सुबह थी मंडी, हम आज सुबह पहुंच गए, अभी रात को हम कितने 3-4 घंटे सोए भी हैं धुंध की वजह से, और उस दिन को भी टाइम थोड़ा अगला चक्कर में पता चल गया ना कि इस रोड में कितना सफर निकल पाता, और बढ़िया रोड है यार, रास्ते में कोई रोड खराब नहीं, तो मजा आया इस लाइन में चलने का, और मस्त पेड़ पौधे यहाँ पे, ये आ रही है भाई बालू गिट्टी वाली गाड़ी, ओवरऑल वाली गाड़ी चलती है यहाँ पे ना, जाता है यहाँ से भी मंडी स्टार्ट ही होगी ऑलमोस्ट, अब धीरे धीरे अभी तो मतलब अपना 12 किलोमीटर है, पर यहाँ पे मंडी है, हार मारी चल यार, तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो
कोई भी साइड नहीं होता भाई यहाँ पे, अपनी गाड़ी खुद बचानी है हमको। चलो 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 भैया, साइकिल वाले भैया ध्यान से, वो पिकअप वाला भाई हमें इशारे कर रहा, शायद वही व्यापारी की पहचान की होगी गाड़ी, तो उसमें देखी होगी बोल आने दो यहाँ पीछे पीछे। इतना रश भाई है, देखो ये हाईवे रोड है, बंद हो गई पूरी। चलो 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 चलो, इस तरफ से क्लियर है, चलते चलो चलते चलो। आगे से एक बड़ी गाड़ी भी आ गई यार, ताकि मंडी में जगह होनी चाहिए गाड़ी अंदर घुसाने की, क्योंकि वहां पे भी जगह शायद तंग होगी। यहाँ पे ना बड़ा ट्रैफिक अभी सुबह सुबह के टाइम ना, पूरे रास्ते में नहीं थके जितना, 5 किलोमीटर एरिया मेरे से नींद आ रही है ना भूख यार, कोई साइड नहीं देता देना, आगे चाचा आ रहा है रोड पे देना, मतलब नहीं बचा साइड, आप गाड़ी चोरी है यार, अब क्या करें, आगे से आगे गाड़ी में मुझे इधर की जाऊं, साथ निकल दे टाटा मोरे साइड नहीं देनी वैसे, अब आगे से वो गाड़ी आ रही है देखो, वो मतलब रथ सा आ रहा है, मतलब क्या बैलों से बनाया, वो भी अब आएगा, बैल गाड़ी आ रही है तो उसको भी जगह देनी। पहुंच के भाई मंडी के बाहर, ओ भैया यहाँ से अंदर है रास्ता मंडी का, अभी तो रश काफ़ी है, थोड़ी देर में घुसाएंगे गाड़ी अंदर। पहुँच है मंडी के अंदर, पहुँच है मंडी के अंदर, और ही है खाली अभी, देखते हैं अभी कितनी हो पाएगी, क्या सिस्टम है, फिर खाना वगैरह भी बनाएंगे। यहाँ से हमने लोड किया ना, वहाँ से भाई भी लोड करके आया यार, भाई का भाड़ा हमसे 10,000 ही कम था, और ये भाई 22 फीट गाड़ी, बढ़िया काम है इस गाड़ी का यार। भाई वापस जा रहा खाली करके, सुबह पहुंची थी गाड़ी है, हमारी भी शायद हो जाएगी खाली, तो निकल रहे हैं भाई, नई गाड़ी है भाई की यार। ठीक है भाई फिर चलो, फिर जाओगे सीधा अभी, मुझे अभी 1 बज गया और खाना अपना बन गया, पहले खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं। मैंने भैया को बोला, मैंने बोला खाली करके हमें भाड़ा दे देना, हमें फ्री कर दो, तो हम निकल जाएंगे, बोरे देखते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे फिर कल देंगे भाड़ा। अभी उन्होंने बोला खींच के, वो तो यार इतना तो हमारा फ़ायदा हो ना, एक दिन तो अपना बच जाए कम से कम। अभी ना अपना हो गया, अब थोड़ा चलते हैं बाहर, क्योंकि उनके पास पास रुकते रहेंगे तो रिक्वेस्ट भी कर देंगे खाली करके हमको छोड़ ही देने, तो मतलब क्या यहाँ से खाली करके बाहर लगा के पूरा दिन तोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा कि मुजफ्फरपुर चले जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से वापसी का लोड भी देखेंगे, और गाड़ी वॉश करवाने का मन भी है एक तरह से, सोच रहे हैं वो है क्या कहते हैं, बारिश का मौसम है तो सोच रहे नहीं करवाएं, आगे से शोर शीशे धो लेते खुद ही किसी ढाबे पे, बाकी बस ग्रीस वगैरह करवानी है, क्योंकि अब ग्रीस हमने जम्मू से करवाई थी तो पूरा चक्कर हो गया, अब कल करवानी थी मैं ग्रीस ना, पर बारिश में वही करवाने का फ़ायदा नहीं था कुछ, अभी हो रही है गाड़ी खाली, देखते हैं यार कितने करेट रह गए हैं, कितना रह गया है। खाना पीना अपना हो गया, अब हम लगाने लगे गाड़ी पे झंडे, बस वही इस पर अच्छे से कील वगैरह ठोक देना, हवा से उड़ जाएंगे, जाते हुए 5-6 और लेने, क्योंकि ये 1-2 चक्कर चलते हैं उसके बाद पूरे ख़राब हो जाते हैं, फिर हम उनको पानी पे बहा देते हैं। गाड़ी होगी खाली, यहाँ से घुमा ली मंडी से, तो बस अब जाना है हमको मुजफ्फरपुर, वो यहाँ से 60 किलोमीटर है। अभी यहाँ बाज़ार से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि ना वहाँ पे नो एंट्री है, तो थोड़ा इसका आउटर से निकलना गांव गांव से, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, ध्यान से निकलना पड़ेगा, फिर चलते हैं ट्रांसपोर्ट पे, वहाँ पे देखते हैं फिर कल के लिए क्या भाड़ा निकलता है, कहाँ के लिए भरेंगे। कि सब तो ठीक है यार, चलो गाड़ी एक दिन में खाली होगी वो भी सही है, पर एक चीज़ यहाँ पर बड़ी ज़्यादा ख़राब लगी यार, है ना, कुड़ी फट गई वहाँ पर लगाने वाला कुछ, मतलब एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी हमें यार, मतलब लोडिंग वहाँ पे लगती है 2,000-2,500 मतलब इस एरिए पे, और लोड करना गाड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि माल अंदर से लाना पड़ता है, रखो हाइट करो, मतलब लोड करना गाड़ी मुश्किल रहता है, तो भाई खाली करने में भाई उसकी डबल है, 4,500-5,000 कट रही है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कच्चे माल की देखो हर जगह ना अनलोडिंग अक्सर ज़्यादा है भाई, अगर हम सेब लेके आते हैं उसकी भी अनलोडिंग ज़्यादा भाई, ये नहीं होना चाहिए, तो कच्चे माल पे थोड़ा किराया ज़्यादा लगता है, चलो गाड़ी टाइम से खाली होती है, वो सारी बातें भाई तब हो जाती है पूरी जब अनलोडिंग से ज़्यादा कट जाती है भाई, मतलब भी क्या, अभी अपनी अनलोडिंग कटी 4,000 रुपया, 17 टन अपने पास माल था, मतलब 17 टन माल 4,000 रुपया अनलोडिंग ज़्यादा है यार, और क्रेट कितने थे भाई, खींच मात्र 700 क्रेट, और अगर और यहाँ पे हमें भी उतारने देते ना, अगर ये बोलते ना कि आप खुद उतारो अपने 4,000 रुपये रहने दो, तो मैं तो रजेश उतार देता, क्यों रजेश भैया यार, हम दोनों को 2,000 भाई था, और भाई इतना भारी क्रेट भी नहीं है यार, 17-18-19 किलो 20 किलो का क्रेट होगा यार, इतने घर में हम काम करते हैं, है कि मंडी से 1-2 घंटे लगते हैं हमें भी, पर है कि मंडी में पैसे ज़्यादा काटे, ना इंसाफी हुई हमारे साथ, 4,000 रुपया यार नाजायज काटा गया, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया भाई यार।
अनलोडिंग चार्ज और कटिंग थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, पर चलो यार होता रहता है, अपनी जिंदगी में अप डाउन चलता रहता है। तो अभी यहाँ से रह गया अपना 50 किलोमीटर रह गया मुजफ्फरपुर, वहाँ पे करेंगे ट्रांसपोर्ट का पता। शायद वहाँ पे एक और JK 22 को कश्मीरी गाड़ी एक और खड़ी है, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्टर से बात हुई थी, कह रहा वो भी शिवमढ़ी से गाड़ी आ रही है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। चुपचाप हम साइड से निकालते, कोई मतलब नहीं है। रोड तो ये ठीक है मुजफ्फरपुर वाला, बीच में स्पीड ब्रेकर चलो वो, क्योंकि गाँव में तो गाँव में ब्रेकर रहते ही हैं। बड़ा कि ट्रैफिक ज़्यादा, देखो छोटे बच्चे साइकिल लेके रोड में आए होते हैं काफ़ी, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोड के बिल्कुल साथ साथ में घर हैं, बिल्कुल घर जो घर आते हैं ना बिल्कुल रोड के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने किया ट्रांसपोर्टर वाले भाई को फ़ोन, कह रहे हैं यहाँ से ना आगे आके आपको गोरखपुर की तरफ राइट टर्न नहीं लेना, आपको लेफ्ट टर्न लेना है अपना दरभंगा की तरफ, वहाँ पे 3-4 किलोमीटर में हमारी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे कश्मीर नंबर या जम्मू नंबर गाड़ी खड़ी होगी, तो वहाँ पे रुक जाओगे सुबह देखते हैं लोडिंग का, आपको मिलेंगे और रात को दरभंगा। अरे भाई देखेंगे जहाँ से निकलेंगे ना, तो भाई एक ब्लॉग हम शूट करेंगे अयोध्या का, वो अलग से करेंगे क्योंकि वो जो चलने में नहीं आएगा, देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे से शूट करेंगे, क्योंकि पहली बार है, उसके पता नहीं वापस लाइफ में कब मौका मिलेगा। भैया रिक्शे वाले भैया साइड दे दो, साइड दे दो, साइड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि ना बिहार नंबर से ट्रक काम में मतलब है, जो भी है ना वो कच्चे माल ऐसे में चलते, वो चलते हैं बालू पे, मतलब रेत पे। हाँ मैं बोल रहा था बालू में चलते हैं रजेश, वही ट्रक है उल्लू में चलते हैं, बालू में तो रेत पे चलते हैं गाड़ियाँ। तो मतलब सब्जी के लिए कच्चे माल के लिए ऑलमोस्ट बाहर से गाड़ियाँ, मतलब घोड़े भी आ रहे हैं, RJ नंबर आ रहे हैं, बाकी 10 जगह से JK नंबर, HP नंबर, पंजाब नंबर, कैंटर ज़्यादा UP नंबर, मतलब इन गाड़ियों का ज़्यादा काम है, जो यहाँ के काम यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ नहीं आई। बस अपना रह गया 38 किलोमीटर सीधा वहाँ पे, थोड़ा खेती से चलो टाइम से पहुँचेंगे वहाँ पे, देखेंगे सब्जी सब्जी का सिस्टम क्या है, सब्जी लेंगे क्योंकि आज कोई ताज़ी सब्जी बनाएंगे, कल से दाल दाल खा रहे हैं यार, सब्जी वगैरह बनाते हैं चावल, जहाँ अगर होटल में गया रोटी खाएंगे, क्योंकि दो तीन दिन हो गए हमने रोटी नहीं खाई है, सिर्फ चावल ही खा रहे हैं। मौसम तो भाई यहाँ का इस टाइम तो काफ़ी बढ़िया यार, और गाँव आ गया ब्रेकर आने वालों की, जब भी ऐसे गाँव आता है ना उसके बाद भाई स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, रोड तो काफ़ी बढ़िया है, पेड़ों के बीच से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है रोड। तो मैं कह रहा था ना देखो, अभी रजेश भी एक साल हो गया, 1.5 साल में साथ चलते हुए, तो भाई मैं इसको बोल रहा हूँ एक गाड़ी लेते हैं, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा हम दोनों करके एक गाड़ी लेते हैं। अभी एक कैंटर बिक रहा था भाई, और आप कमेंट करके बताओ कैंटर का 22 फीट कैंटर का काम है, जो 12 टन पासिंग पर उसका काम है या नहीं है। भाई यहाँ पे हम चल रहे हैं ना, जितने मेरे दोस्त जा रहे हैं यहाँ पे बाहर चलते, भाई काम तो है, पर है कि थोड़ा घर से बाहर रहना पड़ता है, मंडी करानी पड़ती है। बाकी जिन जिन भाइयों के पास कैंटर है वो भी कमेंट करके बताओ, जिनके पास बड़ी गाड़ी है क्या रजेश को कैंटर लेना चाहिए, तो क्या मतलब आप कमेंट करके बताओ भाई, कल की वीडियो में हम रिजल्ट देखेंगे क्या रजेश को कैंटर लेना चाहिए। देखो भाई मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने थोड़ा यहाँ तक देखो अपनी पहचान है, अपने भाई लोग हैं, गाड़ी में भरवा दिया करूंगा, चलने का कोई टेंशन नहीं है। अब हमें भी कौन सा भाई कई जगह जाता था, धीरे धीरे रूट का समझ आता है, अब यहाँ पे भी तो हम पहली बार ही आए, तो क्या रजेश को लेनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि अभी हमारा हम कैंटर का ही सोच रहे हैं यार, और पहला बंदा ना इसके लिए कैंटर ही सही रहेगा, छोटी गाड़ी है तुरंत से लोड मिल जाता है और भाई 10 चक्कर ज़्यादा काम करती है। और आप कमेंट करके बताओ क्या इसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और भाई बाजार में रेस्ट देखो कितना हो गया, पहले बाजार पार करते हैं फिर करते हैं आपसे बात। ओह खड्डे 20 किलोमीटर रह गया, अब दरभंगा रोड पे पहले हमें ट्रांसपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी यार, कन्फर्म नहीं पता लगा अभी हमें ना, हमारे पास लोकेशन आई है वहाँ जम्मू वाली गाड़ी ढूंढेंगे, बिल्कुल स्लो से चलेंगे ना। मुजफ्फरपुर हम पहुँचे, यहाँ से हम जाएंगे दरभंगा की तरफ, 3-4 किलोमीटर ट्रांसपोर्टर भाई से होगी बात, कह रहे हैं वहीं खड़े हैं, वहीं को टाटा गैराज है या टाटा मोटर्स के आगे होंडा का शोरूम है, वहाँ पे यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट। पहुँचा है भाई ट्रांसपोर्ट पे, ये होंडा शोरूम के पास अपनी, तो वहाँ गाड़ी खड़ी की है, वो गाड़ियों के बीच तो बाइक की ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, और ये ट्रांसपोर्ट का नाम है ना यहाँ पे, यहाँ पे है PKR पंजाब कश्मीर रोड लाइन भाई, न्यू पंजाब कश्मीर रोड लाइन। बाकी कार्ड दिखा दूंगा क्या नंबर है, बाइक के नंबर भी सामने ही है सारे। तो ये आ गया मुजफ्फरपुर बाईपास पे, इस तरफ दरभंगा आ गया, तो हम यहाँ से आए, अब देखते हैं सुबह अपना माल कहाँ के लिए निकलेगा। मैंने भाई को बोला मैं कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दिन रुकना पड़ेगा हम रुकेंगे, वैसे साहिल भाई का वेट करना है तो बढ़िया माल मिलेगा, पंजाब साइड ही जाएंगे। अभी चलते हैं पीते हैं चाय। आ गया भाई गाड़ी पे, तो अब धुआं धुआं लग रहा होगा, हमने धूप किया गाड़ी पे, तो अभी भाई अभी आएगी सुबह, अभी तो थी कुरुक्षेत्र की डिमांड, फिर मैंने कुरुक्षेत्र नहीं भरी क्योंकि मुझे आगे तक भरनी है, यहाँ से हमारा वापस अबोर पास पहुँच जाए, धुआं लग रहा है। तो अभी सुबह 7 बजे जाएंगे भैया, तो फिर देखते हैं कल कहाँ की डिमांड है, रात को शायद साहिल भाई भी यहाँ पहुँचेगा तो उसको लोकेशन डाल देते हैं, हमसे मिलके निकलेंगे आगे यहाँ से, अगर उनको सिर्फ 50-55 किलोमीटर जाना है दरभंगा, वो वहाँ पे खाली करेंगे। आज चावल नहीं खाएंगे तो यहाँ पे ढाबा देखे, वहाँ पे खाना बढ़िया है, भैया ही कह रहे थे, तो चलते हैं
वहाँ थोड़ी देर तक 8 बजे तक खाना वगैरह खा के आराम से सो जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों पे गाड़ी चलती हो ना, इंसान जितना मर्जी सोने की ट्राई करे भाई वैसी नींद नहीं आती जैसी नींद खड़ी गाड़ी पे आती है। रात के 8 बजने वाले और हम ढाबे में आ गए, राज लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड ढाबा, यहीं खाना खाते हैं फिर चलते हैं गाड़ी पे, करते हैं आज रेस्ट। खाना पीना खा के हम आ गए गाड़ी में, अभी बज रहे रात के 8:30-9:30, तो सोच रहे हम सो जाते हैं, मतलब एक आधे घंटे में सो जाएंगे, थोड़ा वीडियो वगैरह ऐड करनी है। अभी साहिल भाई अपने से कम 200 किलोमीटर दूर है, उनको 3-4 घंटे लगेंगे, तो वो फ़ोन कर देंगे, अब फ़ोन अपने पास ही रहता तो हम जाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही पास में रोड है साथ में, तो हम सर्विस रोड में खड़े हैं, वो मेन रोड से निकलेंगे, 2 मिनट मिल के निकलेंगे। बाकी सुबह देखो माल तो था जैसे आपको मैंने बोला कुरुक्षेत्र का, उसके बाद एक और जगह पटियाला का भी था बट मेरे को दूर पड़ रहा है, मैंने बोला फाजल का, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, इस एरिया का माल मिल जाए वहाँ से हम अबोर ईजिली पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। देखो सुबह क्या मार्केट रहती है, कैसा रहता है सिस्टम, बस लोड हो जाएगा कल गाड़ी तो फिर हम निकल जाएंगे, फिर अगला जाएंगे सीधा अयोध्या। मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, जिन भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी सब्सक्राइब करो, तो टेक केयर, बाय बाय।